रतनपुरी का देवा के आम जन में विश्वास अपराधियम है, जनता को सरकार होता दिख रहा है। पुलिस का रवैया आम जन के लिए माँ जैसा ममतामयी और अपराधी के लिए पिता जैसा सख्त होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों की तरह राजस्थान में पुलिस में भी तमाम नवाचार हो रहे हैं जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि स्वागत कक्ष में आने वाले फरियादी को विश्वास रहे कि वहाँ उसके साथ सदव्यवहार होगा या उसकी बात संवेदनशीलता सुनी जाए। नवाचार का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पूरे देश के अंदर। राजस्थान पुलिस के बारे में चर्चा होती है, अन्य राज्यों में नवाचार की चर्चा अच्छी होती है। कई बार सुनने को मिलता है कि पासपोर्ट के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन, ये नौकरी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आम जन को पैसा निकलना पड़ता है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम आगे आकर संबंधित नागरिक का पुलिस वेरिफिकेशन करें, उन्हें संबंधित महसूस करवाएं, जिससे उन्हें लगे कि समाज में अच्छा ही थी पुलिस को कितनी कर्ज है। पुलिस कर्मियों को अपनी पब्लिक इमेज का पूरा ख्याल रखना होगा। आप अच्छे से समझ लीजिए कि जनता सब जानती है, यदि कोई भी गलत काम बेईमानी करेंगे तो जनता उनको आइडेंटिफाई कर लेती है, इसलिए आपको छवि अपनी साफ रखनी चाहिए। पुलिस की वर्दी खाकी इसलिए भी है कि उस पर आसानी से कुछ आग न लगे, इसको बेदाग रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इतना ही वर्ष है लोकतंत्र में चुनाव वर्ष होता है, आप देखते हैं कि अनुभव कहता है कई जगह ऐसे तत्व हैं जिनका संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास नहीं होता। ऐसे लोग एंटी सोशल एलिमेंट भी होते हैं, जाति व धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और चुनाव का वर्ष होने के कारण से हमें अधिक चौकन्न रहना है। ऐसे में सांप्रदायिक जातिवादी ताकतें भी आप देखते हैं हावी होकर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। आप सचिव देकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर लिए पब्लिक इंटरेस्ट के।